जो जैसा कर्म करेगा उसको उसके परिणाम स्वरूप वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। इतनी सी बात समझ लीजिए। अब इतनी सी बात समझ आ गई तो ना तो फिर आपको अपने भविष्य को जानने की चिंता होगी, ना अपने वर्तमान को जानने की चिंता होगी। आपको पता है कि मेरे कर्म, मेरा भाग्य, मेरी डेस्टिनी, मेरा भविष्य निर्धारित करते जा रहे हैं, बस मैं इतना जानता हूं। इससे आगे जानने की कोई आवश्यकता नहीं। पर हम कर्म ठीक नहीं करते, कर्म ठीक नहीं करते जिसके कारण भविष्य अपने आप बिगड़ जाता है। और जब भविष्य बिगड़ता है तो फिर हम परेशान होके संतों के पास जाते हैं, महाराज दिन बड़े खराब हैं, समय बड़ा खराब है, भाग्य बड़ा खराब है। भाग्य खराब नहीं होते, कर्म खराब होते हैं। कर्मों को ठीक करिए। एक व्यक्ति था, वो एक महात्मा जी के पास गया। महात्मा जी को बोला, महात्मा जी हम बड़े सालों से कोशिश कर रहे हैं, हमारा एक बढ़िया सा घर नहीं बन पा रहा है। हम इतनी कोशिश करते, मेहनत करते, पैसा कमाते, पर कुछ होता नहीं। महाराज कोई टोटका बता दो। तो महाराज जी ने कहा कि जा एक काम कर, एक पेड़ पे घड़े को थोड़ा सा टेढ़ा करके, हल्का सा उसका मुंह थोड़ा टेढ़ा करके लटका दे, तेरा घर बन जाएगा। तो उसने ऐसा किया और भगवत कृपा से सचमुच कुछ दिनों बाद उसका घर बन गया। अब आया महात्मा जी के पास, दो चारों को और बताया, क्योंकि एक का काम किसी चीज से बन जाए तो फिर वो उसका सब जगह प्रचार करता है, और भी लोग चालू हो गए। तो उसने आके कहा, महात्मा जी आपने एकदम सही बताया था, सही टोटका, और कोई ऐसा टोटका बताओ जो हमारे घर में और कुछ परेशानी वो ठीक हो जाए। महात्मा जी बोले, अरे बाबरे, मैंने तुझे कोई टोटका टोना नहीं बताया, मैंने तो जानबूझ के तुझे बताया कि तू एक मटका लटका दे, वो कोई टोटका नहीं था। लेकिन मुझे पता है कि जब तू उस मटके को थोड़ा टेढ़ा करके लटका देगा तो कोई ना कोई बिचारी इधर उधर भागती, बारिश में भीगती चिड़िया आएगी और उस घड़े में अपना घोंसला बना लेगी, और अगर वो अपना घोंसला बनाएगी तो उसके हृदय से जो दुआ, जो आशीर्वाद निकलेगा, उससे तेरा घर बन गया। इसमें कौन सा टोना, कौन सा टोटका? तब उसे समझ, अच्छा मतलब बड़ा सीधा सा है कि तुम दूसरों को सुख दो, तुम दूसरों को प्रसन्नता दो, अपने आप तुम्हारी प्रसन्नता तुम्हें प्राप्त हो ही जाएगी। दूसरों की प्रसन्नता छीनोगे तो अपने आप प्रसन्नता तुमसे दूर हो जाएगी। आनंद पाने का एक ही रास्ता है। एक बड़ी प्यारा दृष्टांत है, कई बार मैं कथाओं में सुनाती हूँ, कि एक बार, ये वैसे तो देवता और राक्षस हमेशा लड़ते ही रहते हैं आपस में, पर एक बार इनके मन में क्या आई कि देखो हम तो भाई भाई हैं, क्यों लड़ते फिरते रहते हैं आपस में। काम करते हैं, एक भोज का आयोजन करते, मतलब एक पार्टी, भोजन उत्सव का आयोजन करते। तो देवताओं ने राक्षसों को न्योता दिया कि तुम हमारे स्वर्ग में आ जाना, वहाँ हम भोजन बनाएंगे और तुम सब आके भोजन पाना। तो सब आ गए, दैत्य आ गए, देवता भी आ गए भोजन पाने के लिए, सब बैठ गए लाइन लगा के। देवताओं ने कहा कि भोजन तो ले लो, पर भोजन खाने से पहले एक शर्त है। शर्त क्या थी? शर्त यह है कि जो भी व्यक्ति भोजन करेगा, भोजन करने के लिए वो अपना हाथ नहीं मोड़ सकता, बिना हाथ मोड़े भोजन करके दिखाओ, ये शर्त है, तभी भोजन मिलेगा। अब राक्षस बैठ गए लाइन में, अब बिना हाथ मोड़े कैसे भोजन करोगे? देवताओं ने, दैत्यों ने करी कोशिश, किसी ने हाथ घुमाने की कोशिश करी तो पंक्ति से बाहर कर दिया गया, किसी ने यहाँ सामान फेंका, किसी ने यहाँ फेंका, क्योंकि हाथ मोड़ नहीं सकते। ऐसे करते करते चारों तरफ पूरा भोजन का उन्होंने नाश कर दिया, सब दैत्यों ने। अब बारी आई देवताओं की। तो देवताओं की जब बारी आई तो देवताओं ने क्या किया? देवताओं ने बुद्धि लगाई। बुद्धि लगा के क्या किया उन्होंने? एक पंक्ति की जगह, एक लाइन की जगह दो लाइन लगाई एक दूसरे के सामने,
और थाली बीच में रखी और एक दूसरे के सामने बैठ के उसने भोजन उठा के सामने वाले को खिला दिया, सामने वाले ने इस वाले को खिला दिया, हो गया काम, कर लिया भोजन, शर्त भी नहीं टूटी और भोजन भी हो। इसका मतलब, इसका बड़ा सीधा सा मतलब है कि जो दूसरों को खिलाना जानता हो वही देवता है, उसकी तुलना देव बराबर है, देवता बराबर है। ठंडी पड़ रही है, देखो कितनी भयानक ठंडी है, कहीं कोई पशु आपको ऐसा दिख रहा है पड़ा है सड़क पर, कहीं कोई गाय दिख रही है ठिठुरती। आपको सामर्थ्य दिया है भगवान ने अगर, और ऐसा तो नहीं कि नहीं दिया है, अगर हम अपने लिए एक, माफ करना, पर एक महीने में हजारों रुपया की हम चाय पी जाते हैं, और किसी को नशा की आदत हो तो एक दिन में कितने सैकड़ों रुपया की वो फूक फूक करके, जो शरीर भी फूकता है और पैसा भी फूकता है। सामर्थ्य तो बहुत है, पर उस पैसे का सही अच्छे जगह जो उपयोग, जो सदुपयोग है वो करना भूल जाते हैं। कहीं आपको लगता है कि थोड़ा कहीं ऐसा आप कर सकते हैं। दिल्ली में देखो कितने सारे झुग्गी के बस्ती के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे जब आते हैं सड़कों पर मांगने। अब देखो इसमें तर्क देने वाले भी बहुत मिल जाएंगे, अरे इनको वो मिल जाता है, बढ़ावा मिल जाता है, ऐसे बोलने वाले भी तो बहुत होते हैं। ये सब ढोंग करते हैं, फिर जाके नशा कर लेते हैं उस पैसे का। मुझे भी मालूम है, सब जो सड़क पे खड़े होके मांग रहे हैं वो हर आदमी अच्छा उपयोग करे ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन फिर वही बात, जितने हम जजमेंट दूसरों के लिए हो जाते कभी अपने लिए हो। भगवान ने हमको पैसा देने से पहले पूछा था तू उसका कहाँ उपयोग करेगा। नए साल पर जब 31 आता है, 31 में दिल्ली जैसे शहर में अरबों रुपया शराब की बोतलों में खर्च कर देते हैं लोग। गणना देखोगे, अगर रिसर्च करके देखोगे तो अरबों रुपया शराब की बोतलों में लग जाता है। भगवान ने तो नहीं पूछा तुमको देने से पहले तुम क्या करोगे इसका। तो करे ना करे वो उसके कर्म है उसके साथ, आप अपने कर्म मत छोड़िए। आप कोई ठंड का कोई वस्तु उनको प्रदान करके देखिए, इससे आपकी स्वतः की, ऐसा नहीं कि हम आप करते नहीं, जरूर करते होंगे। जो व्यक्ति के हृदय में दया वही कथा में आके बैठता, नहीं अन्यथा दुनिया में कहाँ किसको मतलब है कथा सत्संग से। आप करते होंगे लेकिन और प्रयास करिए। ये दुनिया की सुंदरता इसी में, जब यहाँ सब लोग एक दूसरे के सहयोगी बनेंगे, एक दूसरे का साथ देने वाला बनेंगे, वही कर्म है। कितने सारे वृंदावन में चले जाओ इस समय ठिठुरते बानर, ऐसा नहीं पशुओं को ठंड नहीं लगती, खूब लगती है, और इतनी भयानक ठंड में तो क्या ही कहें, यहाँ तो पता नहीं चलता, बाहर देखो जाके कितनी ठंड पड़ती है। तो ऐसे समय में अगर कोई पशु कोई पक्षी हमारे कारण अगर सुख चैन की नींद सो जाए तो कितना दिल, फिर माफ करना, फिर जाके आपको कहीं किन्हीं के पास जा करके हाथ नहीं दिखवाना पड़ेगा कि हमारे दिन अच्छे कब आएंगे, अपने आप आ जाएंगे, अपने आप। आपको कुछ मिले ना मिले, आपको मन को शांति जरूर मिलेगी कि आपने जीवन में कुछ अच्छा काम किया, आपने हृदय से कुछ अच्छा किया। कहीं कोई गाय आपको दिख रही है ऐसी, वहां थोड़ा सा आसपास कोई अग्नि प्रज्वलित कर दो, थोड़ा उनको गर्माहट मिले। ये सब छोटी छोटी चीज़ हैं जिनको करने से ही हमें मानव माना जाएगा। मैंने कल कहा ना, अगर तुलना की जाए तो पशुओं के बराबर भी हम में कोई गुण नहीं है। चीता जैसे दौड़ नहीं सकते, चील जैसी हमारी नज़र तेज नहीं है, कुछ भी कितना भी तुलना करो नहीं, पर एक चीज़ हमें अलग बनाती है, दया। हृदय में दया होनी चाहिए। तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि नरक तो है, पर देखो ये नरक भी अपने कर्मों का विधान है। इसमें कोई ऐसा ना सोचे कि नरक कोई भावनात्मक कोई कहानी है।
कई लोग कहते हैं नरक, बट डराने के लिए सुनाया जाता है। नहीं, डराने के लिए नहीं, ये सच्चाई है, ये वास्तविकता है।